में आए हैं या जो इनविटेशन में आए हैं उन लोगों का क्या गलती थी? नहीं, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। शायद आप लोगों ने फुटेज देखा, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ जगहों पे कि लाठी से लोगों को मारा जा रहा है। आप मुझे एक आदमी ला करके बताइए जो ये बोल सके उसको लाठी की चोट लगी। लाठी से चेयर्स के पैरों पर मारा जा रहा था, चेयर्स कुर्सियों के, वो सिर्फ उन लोगों को ताकि वो जल्दी से वहां निकले। देखिए ऐसी सिचुएशन में जब लोग आईन मानने को तैयार ना हो तो थोड़ा सा भय शायद जरूरी है उनके मन में होना। कोरोना वायरस का भय नहीं है, वो शायद आईन का ही भय हो। इसके लिए किया गया, किसी को चोट नहीं लगी कि कोई एक आदमी आप मुझे ला करके दिखाइए जो दिखा सके कि उसको लाठी से चोट लगी। और एक सवाल ये है, बहुत जनता लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ ऑफिसर ही हो, ऑफिसर के ऊपर भी हाथ उठाया गया है, ऐसा करके कुछ सवाल आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे इसके विषय में? जो ओसी थे उनके ऊपर मतलब आप उठाओ ऐसा करके कुछ मतलब जनता कह रही थी, ऑफिसर के साथ भी थोड़ा बदसलूकी किया गया है ऐसा कुछ बोला जा रहा है, जनता लोग पूछ रहे हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से मैं वहां पे गया, ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा था, जिसको प्रिवेंट करना और अगर हो रहा है तो उसका एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बहुत सारे प्रशासन में लोग, हजारों की संख्या में पुलिस है यहाँ, उन सबकी जिम्मेदारी। कोई भी वहां पे गया नहीं, मैं गया, मैंने जब बुलाया 20-25 मिनट बाद पुलिस, ठीक है ये आए, उनको जब हमने बोला कि आप एक्शन लीजिए, उनके कितने लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करने को तैयार, वो सिर्फ अपने फोन पे लगे हुए। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे, तो बोल रहे हम पता नहीं किस उसी साथ जाने के इंतजार कर। तो हमने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, हमने उनके कमर पे हाथ लगा के बोला कि भाई काउंट कर लो कितने के खिलाफ एक्शन लो। उसके बाद भी वो नहीं कर रहे थे, देन मैंने बोला कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई डायरेक्ट यू टू डू दिस, इवन देन ही डिड नॉट डू एनीथिंग। इफ दिस इज करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर, ही इज वेरी वेल करेक्ट, इट इज फॉर यू टू जज, इट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू जज। और जनता का दो सवाल है सर, दो सवालों में पहला सवाल जो है, कल ही जो आपके हिसाब से भी आप भी बोलते हो कि हर जो मतलब ये जो पार्टी वगैरह है सबको मतलब ये जो आंदोलन करते हैं, या जो में खुद राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे वहाँ पे मतलब दो जगहों में कर्मसूची हुई है, तो वहाँ पे भी तो कोरोना हुआ है, किसी के पास मुंह में मास्क नहीं था, गैदरिंग बहुत सारे हुए हैं, तो वहाँ पे डीएम साहब क्यों एक्शन नहीं लिया, सिर्फ वहाँ पे जाके ही एक्शन लिया, आम आदमी के लिए एक तरफा और मंत्री मिनिस्टर के लिए एक तरफा? कौन सा प्रोग्राम हुआ था मुझे नहीं मालूम है, वहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन क्या थी मुझे नहीं मालूम है, बट जैसा मैंने पहले बोला मैं फिर से बोलूंगा, अगर इस प्रकार की गैदरिंग होती है कहीं तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है हर एक इंसान की कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और सभी लोग मास्क पहने, ये लोगों खुद की जिम्मेदारी है। कहाँ पे हुआ था मैंने नहीं देखा और मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट जिम्मेदारी सबकी। सर अगरतला में भी आज भी काफी सारे मेरिज हॉल में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें क्या आगे क्या अभियान देंगे आप? देखिए जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जनता को ये बहुत गलत लगा कि जिला शासक जाकर के ये सब कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे, पुलिस जाएगी, पुलिस का काम है, दायित्व ये पुलिस का ही है। अगर 144 धारा का आदेश है उसको पालन करने का दायित्व पूरा और पूरा पुलिस का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर वो दो जो बिहेवियर है उसका क्या सील कर दिया आप? देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, हम बिना उनको चांस दिए कि उनका क्या कहना है हम उनको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। कल हमने बोला वहां पे मौके पे लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, आज हमने उनको नोटिस जारी किया है, हमने कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया है कि उनको क्यों ना बंद किया जाए। साथ में हमने ये भी लिखा है कि आपकी जो बुकिंग है अभी एक दो दिन की आप चलाते रहिए, हम नहीं चाहते जनता को इनकन्वीनियंस हो, लेकिन उसके बाद की आप बुकिंग नहीं लेंगे जब तक आपका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई पा करके हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनका रिप्लाई आएगा फिर हम इसके ऊपर ऑर्डर निकालेंगे। धन्यवाद।